हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ लीनियर हाइट गेज के बारे में, और लीनियर हाइट गेज को हम टू डायमेंशनल हाइट गेज भी बोलते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 माइक्रॉन होता है। 1 माइक्रॉन का मतलब ये था, मैं mm के टर्म्स में बात करूँ तो इट कैन रीड अप टू 0.001 mm। ठीक है, और इसको जो बनाते हैं, दो कंपनियां हैं जैसे मैकेनिकल के जो मेज़रमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसके लिए सबसे एक फेमस कंपनी है मिटुटोयो, है ना, जापान की कंपनी है, और ट्राइमोस। तो ट्राइमोस स्पेसिफिकली, ये आपका ट्राइमोस के जो टू डायमेंशनल हाइट गेज है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको ट्राइमोस के टू डायमेंशनल हाइट गेज से बताऊँगा किस तरह से उससे हाइट रीड कर सकते हैं। इवन कोई सर्कुलर वर्क पीस है तो उसका आप रेडियस डायमीटर भी मेज़र कर सकते हो, ये जो टू डायमेंशनल हाइट गेज होता है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट। ये आप ट्राइमोस का 2D हाइट गेज देख सकते हैं, जिसको हम लीनियर हाइट गेज भी बोलते हैं, और ये एक सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। सरफेस प्लेट बिल्कुल प्लेन होती है, और ये यहाँ पर डिजिटल रीड आउट है, ये बेसिकली रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ये कॉलम है और इस पे आपका जो स्टाइलस है वो लगा रहता है, जो प्रोब बोलते हैं वो लगा रहता है, और उसको वर्टिकली अप एंड डाउन आप मूव कर सकते हैं। ये प्रोब देख रहे हैं आप यहाँ पे, और ये सरफेस प्लेट के अलॉन्ग पूरा मूव हो सकता है। जैसे अब ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस में हम फाइंड आउट करेंगे इसका रेडियस, और उसके बाद इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो घुमाने वाला है, नोब है, इसको घुमा के आप इसको नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको नीचे लाए, है ना, और 0-0 करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 0। ये बेसिकली इसमें ये शो कर रहे हैं किस तरह से हम ये नीचे वाला जो सरफेस है इस पर टच किया, यहाँ पे 0-0 किया जाएगा, फिर ऊपर वाले पे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में और दिखाऊँगा आपको, वीडियो पूरा देखिए आप। ये आप देख सकते हैं प्रोब है, प्रोब को आप वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। ये यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आप रीडिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूँ मैं आपको किस तरह से, इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं और वो भी सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे डायमीटर रीड करना है तो आपको डायमीटर पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ये एरर बता रहा है कितना एरर है इसमें, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 माइक्रॉन होता है। ये सबसे पहले यहाँ पर लाए ग्राउंड पे, और इसको ग्राउंड पे लाके आपने ये 0-0 सेट कर दिया। पहला काम ये होता है प्रोसीजर में। दूसरा, जैसे आपको इसकी होल की डायमीटर करना है तो बिल्कुल नीचे वाले फेस में गए, और नीचे वाले पहले सबसे पहले डायमीटर वाला फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपने नीचे वाले उस पर गए, इसको प्रोब को नीचे लगाया बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर, और नीचे वाले पॉइंट पर लगाने के बाद फिर दोबारा से आप क्या करोगे, 0-0 कर दोगे। 0-0 करने के बाद फिर आप इसको ऊपर ले जाओ तो ये रीडिंग शो करेगा। तो ये बेसिकली क्या शो करेगा, डायमीटर शो करेगा इन mm। ठीक है, ये डायमीटर शो कर रहा है mm में इस तरह से। आप इसमें दूसरी तरफ भी निकाल सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि टेपर तो नहीं है इस होल में कहीं। तो यहाँ पे फिर आपने 0-0 किया, 0-0 करने के बाद ये आप हाइट मेजर कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले नीचे लाते हैं सरफेस प्लेट पे, उस पर 0-0 करते हैं, 0-0 करने के बाद फिर आप हाइट मेज़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 120.14 mm इसकी हाइट है, है ना। ये माइक्रोन के टर्म्स में रीड कर सकता है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक mm में ये रीड कर सकता है, ये नोब है। और आप अलग अलग चेक कर सकते हैं कि सरफेस परफेक्टली स्मूथ है या नहीं है, कुछ